हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो फाइनली क्या देख रहे हो भाई, आज अपनी नेक्सॉन वर्सेस न्यू नेक्सॉन, फाइनली नेक्सॉन फेसलिफ्ट आ गई है भाई अपने चैनल पे अपनी नेक्सॉन के साथ ड्रैग करने के लिए। आप लोगों की इतनी डिमांड थी भाई कि नेक्सॉन वर्सेस नेक्सॉन करो, नेक्सॉन वर्सेस नेक्सॉन, तो फाइनली नेक्सॉन वर्सेस नेक्सॉन फेसलिफ्ट। पेट्रोल मैनुअल, अपनी भी पेट्रोल मैनुअल, दोनों के इंजन सेम है भाई, 1.2 लीटर के टर्बो इंजन के साथ आती है। बाकी नई वाली की क्या ट्यूनिंग है ये ड्रैग करके हमें पता चलेगा कि उसकी ट्यूनिंग इससे बेटर है कि नहीं है, ये ड्रैग करके ही पता चलेगा, पूरी वीडियो जरूर देखना। तो भाई पावर भी दोनों की सेम है, 118 की हॉर्स पावर, 170 का टॉर्क है। वेट में ऑलमोस्ट दोनों सेम है, वो ऑन मेरी RC 1215 दिखती है, ये ऑन RC हमने देखा है तो 1230 किलो है, तो वेट में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दो दो बंदे बैठेंगे। बाकी सारे मोड्स के अंदर ट्राई कर लेंगे, स्पोर्ट्स, सिटीज, सब के अंदर ड्रैग करके देखेंगे और पूरी गाड़ी की पावर आज चेक कर लेंगे कि भाई किसके अंदर ज़्यादा पावर है। बाकी नई गाड़ी है, थोड़ी सी ये कम चली है भाई, ये 600-700 किलोमीटर चली हुई है, अभी बिल्कुल नई नई है, ये एक महीना भी नहीं हुआ और अपनी 40,000 चल चुकी है, तो भाई थोड़ा सा तो फ़र्क रहेगा नई और पुरानी में, तो ज़्यादा डिफरेंस वैसे रहना नहीं चाहिए यार, पुरानी ज़्यादा रवा हो जाती है तो बहुत सही चलती है, नई का इंजन अच्छा होता है तो वो वैसे बढ़िया चलती है। कंपटीशन की उम्मीद है मुझे कि भाई बहुत बराबर बराबर रहेगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को ड्रैग में, आई होप। कमेंट करके ज़रूर बताना लास्ट में। तो चलो बिना देरी के करते हैं ड्रैग स्टार्ट और देखते हैं क्या रहता है आज की वीडियो में। तो गाइस आ गए पहले राउंड में। तो आर्यन भाई क्या मोड रख रहे हो, ट्रैक्शन तो ऑफ होता नहीं, स्पोर्ट्स मोड रखोगे? स्पोर्ट मोड, AC ऑफ, ठीक है, ठीक है, स्पोर्ट ड्राइव मोड, अपना भी स्पोर्ट्स मोड है, AC ऑफ, स्पोर्ट्स मोड है, AC ऑफ है, ठीक है। 3-2-1 मैं कर दूंगा, 1 पे निकलना है। चलो जी शीशे ऊपर कर लो। चलो जी राउंड 1, स्पोर्ट्स मोड है, AC ऑफ है, दोनों गाड़ियों का शीशे ऊपर कर लो। स्पोर्ट AC ऑफ, हाँ, ट्रैक्शन दोनों में ही नहीं आता। चलो देखते हैं दोनों का, नेक्स्ट वन का, एक पुरानी एक नई है। तो कर रहे हैं जी गाइस पहला राउंड, गाड़ी 3-2-1, उसका व्हील स्पिन लगा पर वो पीछे रह गई नई वाली नेक्सॉन। अरे 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 ओ वीर जी, PS6 वर्सेस PS6.2, वो तो आ रही है तेजी से, हमने गियर थर्ड जल्दी लगा दिया, पता है मैंने थर्ड गियर जल्दी लगाया। अरे भाई वो तो उधर ही चला गया, अरे भाई वो तो उधर ही चला गया, उधर चला गया यार। अरे यार पर अपनी जीत गई ना, अपनी जीत गई कोई नहीं ढंग से। पर चलो ठीक है भाई, सेकंड राउंड, सेकंड राउंड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड है, AC ऑफ है, ठीक है। 3-2-1, भाई को लॉन्च थोड़ा अभी नया नया करा ना वो वीर जी, पर आ रही है यार, वो आ रही है भाई, नई वाली नेक्सॉन आ रही है, बराबर आ गई भाई, अरे भाई तेज निकल गई यार नई वाली नेक्सॉन, पर बराबर सी है, ज्यादा आगे जा नहीं रही है, ब्रेक ले ली, कोई नहीं, चलो पर हमारी जीत रही है, बढ़िया भाग रही है यार नई वाली नेक्सॉन क्रॉस करके नीचे उतर। तो गाय थर्ड राउंड कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड, AC ऑफ ही है अपना, एक बार यहाँ पे ढंग से करके देखते हैं। चलो शीशे ऊपर कर लो जी, चलो जी थर्ड राउंड कर रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। 3-2-1, लैग आया नई वाली नेक्सॉन इनिशियल में रह जाती है, क्योंकि इनिशियल में वीर जी को लॉन्च करने का पता कैसे होती है, वो लॉन्च वो तीसरे गियर में आती है, पर अभी फिलहाल तो नहीं आ रही, अब आ रही है, अब आ रही है, कवर कर रही है, 125, 30, 30 पे आ गई, 35, 40, 140 पे जाके बराबर आई, 140 पे जाके, 140 पे कवर कर रह जाता है, थोड़ा सा बाउंड डाउन हो जाती है वो ना, वरना कवर अच्छा बना लेती यार वो नेक्सॉन, इसके अंदर नई वाली नेक्सॉन में मतलब ज्यादा पावर है, और नीवीर दी थोड़ी आपकी चल गई है ज्यादा, मे बी हो सकता है, पर नया इंजन है वो, हाँ ये भी फर्क है, टेक्नोलॉजी ट्यूनिंग कुछ तो नया होगा उसमें, पर इतनी उम्मीद नहीं थी।
भाई 140 पे रिलीजिंग करती है, लॉन्च की वजह से रह जाता है भाई। 140 पे भी आपसे आगे निकली, वही तो मैं कह रहा हूँ, पार हो गई थी। एक बार आगे वहाँ रोक लेते हैं, वहाँ और कर लेंगे लास्ट। ठीक है भाई, चलो भाई ठीक है। उसके अंदर भी स्पोर्ट्स मोड, एसी ऑफ है भाई। तो अब करते हैं स्टार्ट और देखते क्या रहता है। रेडी 3 2 1। ओ भाई वीर जी का लॉन्च ही कह दे। अरे नई वाली नेक्सॉन, अरे खड़े रहेगी। अब आई भाई, अब आ रही है भाई। 100 110 115 118 130 पे बराबर सी थी भाई। ब्रेक ले ली उन्होंने, प्रॉपर आगे नहीं जाती। हाँ पर भाई अपनी ड्रैग में तो जीत ही गई ना, क्योंकि आगे है। हाँ 115 118 तक आ गए। का भी फर्क है ना। हाँ ये तो है, आपको लॉन्च बहुत बढ़िया करनी आ गई अब। हाँ नेक्सॉन। और एक चीज मैं बता दूं भाई, कोई खिलाड़ी हो तो भाई, कोई मैं ये नहीं कहता कि किसी को वीर जी जैसे नहीं आती होगी, पर भाई वीर जी उनमें से है जो नेक्सॉन को ऐसे लॉन्च कर देते हैं कोई नहीं कर पाता, अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी। क्योंकि भाई इसको लॉन्च करने का वही कर सकता है जिसके पास एक गाड़ी हो, जिसने 40,000 किलोमीटर चला ली हो, वरना और किसी का करना तो मुश्किल है। पर भाई सही सही कंपटीशन है, सेम सा था। सेकंड राउंड करते हैं फटाफट, एसी ऑन में कर ले। नहीं नहीं, एसी सिटी में करें, पहले स्पोर्ट्स में भाई। 120 पे जो ड्रैग का होता है ना, वैसे उस ड्रैग तक तो ये आगे थी, पर टॉप एंड में वो आगे चली जाती है। हाँ लॉन्च का, पर इस बार आपका लॉन्च सही हो गया था, इस बार बॉक डाउन नहीं हुई गाड़ी ना, झटका नहीं लिया इस बार जैसे पहले ले रही थी ना झटका। रोलिंग कर, रोलिंग आखिरी में करेंगे, पहले एक राउंड और करो। चलो थोड़ा सा आगे करो, सेम स्पेक्स, थोड़ा सा आगे करो, गाड़ी भी आ रही है साइड में, जगह दे दो। सिटी 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 मोड कर लो। ठीक है, एसी ऑफ ही है, एसी ऑफ है, चलो सिटी मोड है। ठीक है रेडी 3 2 1। गियर शिफ्ट भी जल्दी करा है। नहीं आ रही अभी, नहीं आ रही, 90 हो गई, नहीं आ रही भाई। रिकॉर्ड में पकड़ती है वो 120 30 40। 140 हो गई है भाई गाड़ी, रोक लो वेट दियो, ले लो ब्रेक। 140 तक नहीं है, 140 तक भी नहीं आ रही है भाई वो, यानी कि जो है थोड़ा सा लॉन्च का फर्क है। अगर लॉन्च बराबर हो तो ऑलमोस्ट गाड़ियां बराबर चलेंगी, और फिर जिस हिसाब से आ रही है, जिस हिसाब से उसका मिड है दिख रहा है ना इस टाइम, तो मिड में वो चली जाएगी। अगर दोनों का लॉन्च बराबर हो जाए तो मेरे हिसाब से तो उसका टॉप एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। हाँ उसका लॉन्च है ना वो अच्छा है, मतलब लॉन्च बराबर हो जाए आपकी गाड़ी का अच्छा है, और उसका वो स्ट्रॉन्ग है टॉप एंड, तभी वो टॉप एंड में पकड़ रही है। ऑन करके करते हैं, थोड़ी साइड दबा लो, कोई नहीं, कोई मोड है, एसी ऑन है। ठीक है हाँ ठीक है, चलो अब एसी ऑन करके करते हैं, फिर वहां से एक रोलिंग राउंड कर लेंगे। चलो रेडी, ये निकलने दो उसको, चलो इसको ऑन बजाओ। रेडी 3 2 1। एसी में दाब मानी भाई दोनों, पर वो आ रही है जल्दी आ रही है भाई 90 95 100 पे पूरी क्रॉस होगी भाई और सही जा रही है यार आगे जा रही है। मुझे लग रहा दोबारा नहीं, मैं ट्यूनिंग थोड़ी सही है, ट्यूनिंग सही नहीं है। मैं बताता हूँ ये क्या कर रहा है, क्या गियर जल्दी शिफ्ट कर रहा है, ले लो वीर जी ब्रेक। गियर शिफ्ट जल्दी में तो लेट जानी चाहिए ना गाड़ी उसकी, लेट जा उसकी क्या कहते हैं हम, क्यों कवर कर रहे हैं उसकी गाड़ी को, क्योंकि गियर शिफ्ट जल्दी कर रहा है, मे बी हो सकता है उसे। तो भाई ये दोबारा से 100 पे निकल गई नई नेक्सॉन की, यार ट्यूनिंग थोड़ी सी तो मुझे बेटर लग रही है, बाकी नई पुरानी का फर्क हो सकता है। सिटी मोड में वो नहीं जीत पाई थी, सिटी मोड में हम आगे थे, स्पोर्ट्स मोड में वो कवर कर लेती है, थोड़ा सा ही उनका बॉक डाउन होता है उसके बाद वो कवर कर जाती है, कभी 120 पे कभी 125 पे। ड्रैग के हिसाब से दोनों ही बराबर हैं, आप लोग ही कमेंट करके बताओ आप के हिसाब से कौन सी विनर है, हमें तो डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आ रही है भाई।
अब वीर जी चला रहे हैं भाई नेक्सॉन एक राउंड के लिए। भाई ये रोलिंग रेस है भाई, फर्स्ट गेट 20 पे। वीर जी ऑन, आप बजा रहे हो कि मैं बजाऊं? आप बजाओ। चलो फर्स्ट गेट 20, एसी ऑफ है और भाई स्पोर्ट्स मोड में है दोनों गाड़ियां। पकड़ो भाई, भाई 20 पे पहला गियर भाई हो गया दोनों गाड़ियां। लेट पता चला ऑन का, हमें भाई पता ही नहीं चला। मेन तो ये भाई पता ही नहीं चला हमें कब गई, ऑन का पता ही नहीं, ऑन का भी नहीं पता चला। आप बेल्ट लगा लो भाई इसके बाद से। एक मिनट चलो भाई। भाई अब की बार रोल इन में भाई बाइक ही गई आगे निकल रही है अभी आ भाई आ रही है नेक्स्ट वन आ रही है 90 और भाई 100 पे बराबर भाई 100 पे नेक्स्ट वन आगे निकल जाती निकल गई भाई आगे। नई वाली नेक्स्ट वन निकल जाती है भाई आगे, बढ़िया। नई वाली नेक्स्ट वन में है भाई थोड़ी पावर ज्यादा है भाई, 130 पे थोड़ी पावर ज्यादा है भाई, फर्क है, हल्का सा फर्क है। यही थी अपनी कुछ ड्रैग रेस, नई नेक्सॉन वर्सेस पुरानी नेक्सॉन अपनी। भाई दोनों गाड़ियों की पावर ऑलमोस्ट सेम ही है तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन रहा कि भाई सिटी मोड में गई तो अपनी आगे निकल गई, स्टार्टिंग की ड्रैग में देखे तो थोड़ी बॉक डाउन भी मारती है यार नेक्सॉन, जो आदत है जिसको हमने बड़ी मुश्किल से दूर करा है। मैंने इसको ड्रैग कर करके इस आदत को बड़ा दूर कराया कि मैं बढ़िया लॉन्च कर देता हूँ अब, पर उसके अंदर यह है कि भाई थोड़ी ट्यूनिंग बेटर हुई है जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी टायरों का भी फर्क हो सकता है भाई, वो 195 की प्रोफाइल के साथ है, अपने 215 के साथ है, हालांकि है दोनों R16 ही, पर अच्छी निकली भाई। कंपटीशन बहुत बढ़िया था कि एक राउंड में वो तो एक राउंड में हम, बाकी वरना लास्ट में राउंड देखोगे तो भाई नई वाली नेक्सॉन ही आगे रही। बाकी ड्रैग करके हमें तो बहुत मजा आया, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करे ना तो बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।